मैं लाल किले से मेरी एक पीड़ा और कहना चाहता हूं, यह दर्द मैं कह बिना नहीं रह सकता। मैं जानता हूं शायद लाल किले का विषय नहीं हो सकता, लेकिन मेरे भीतर का दर्द मैं कहां कहूंगा। देशवासियों के सामने नहीं कहूंगा तो कहां कहूंगा। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। और वो है, किसी न किसी कारण से हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारी बोलचाल में, हमारी व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। क्या हम स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? क्या बात है सर, क्या बात है सर। नारी का गौरव राष्ट्र के सपने पूरे करने में बहुत बड़ी पूंजी बनने वाला है। ये सामर्थ्य मैं देख रहा हूं। अभी बदत है भाई, अभी बदत। हम वर्ल्ड में ओनली कंट्री हैं जहां नारी को देवी माना जाता है, और उस ओनली कंट्री में इन्हें माला पहनाया जा रहा है जो बलात्कार और हत्या के दोषी ठहराने के बाद जेल में बंद किए गए और फिर इनकी रिहाई होती है। नारी के सम्मान में मैदान में कूद जाने वाले नेता और मंत्री मैदान से भाग गए हैं। समय से पहले इनकी रिहाई से बिल्किस की नींद उड़ गई होगी, वह अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित होगी, लेकिन इन्हें सरेआम फूल मालाओं से लादा जा रहा है। पिछले हफ्ते से लोग इनकी रिहाई को लेकर तरह तरह से सवाल उठा रहे हैं, लेकिन किसी गरीब गार्ड को धक्का देकर अंग्रेजी में गाली देने वाले हाउसिंग सोसाइटी के लोग इस मसले पर पूरी तरह से चुप्पी साध गए हैं। उनसे बोला ही नहीं जाएगा कि यह गलत हो रहा है। हाउसिंग सोसाइटी का व्हाट्सएप ग्रुप तमाम अनैतिकताओं को सही ठहराने का अड्डा हो गया है। जो मिडिल क्लास गलत का विरोध करने तिरंगा लेकर रामलीला मैदान जाया करता था, वो अब व्हाट्सएप ग्रुप में गर्दन गाड़कर गलत को सही ठहराने में लगा हुआ है। इन तस्वीरों पर मिडिल क्लास की क्या राय है? क्या मान लिया जाए कि मिडिल क्लास खुद को समझा चुका है कि यह सही है? बिल्किस बानो के साथ बलात्कार करने वाले, उसकी बेटी को पटक कर मार देने वाले, परिवार के अन्य सदस्यों की हत्या करने वाले दोषी रिहा होकर घूमेंगे, फूल मालाओं से उनका स्वागत होगा, इस बात से किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए।